फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यूपी टेट का पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट सेशन यानी कि प्रथम पाली का ये पेपर है 2017। बहुत रिसेंट का पेपर है दोस्तों। ठीक है, 2017, 2018, 18 से पहले का 2017 का पेपर है ये। तो इस पेपर से आपको ये पता चलेगा किस तरह का पैटर्न है, और कभी कभी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल पूछा गया है तो इस साल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो ये बुकलेट सीरीज है इसकी बी, और टोटल मार्क्स आपको पता ही है 150 का। तो ठीक है, अब पहला सेशन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका बाल विकास एवं शिक्षण विधि से ये प्रश्न है। ठीक है, जो पहले पैसेज में आते हैं 1 से 30 तक सॉल्व करने होते हैं हमें, तो आज हम उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था, ये अभी अभी हमने पढ़े हुए हैं। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था या पावलोव। ठीक है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया था, तो ये युग्म सही नहीं है। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हल ने कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? आप लोगों ने, जिन्होंने मेरा वीडियो ना देखा हो इससे पहले, जरूर देख लीजिए उसे। ठीक है, काफी लोगों को पता भी होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। निम्न इनमें से किन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ठीक है, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ द यूजेनिक्स की बात करते हैं। ठीक है, यूजेनिक्स की बात करते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो, गार्टन, रॉस या वुडवर्थ? तो इसका सही उत्तर दोस्तों, गार्टन का नाम यूजेनिक्स से जुड़ा हुआ है, तो ये सही उत्तर है। ठीक है, गॉर्डन। अगले प्रश्न में आते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ठीक है, हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स? ठीक है, ग्रंथियों के आधार की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो ग्रंथियों के आधार पर दिया था ये, तो ग्रंथियों के आधार पर दिया था दोस्तों क्रैशमर ने। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में आते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया यह कथन है। ठीक है, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्रो एंड क्रो। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सही उत्तर है दोस्तों। अगले में आते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट इज कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एसेस? ठीक है, तो ये है पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था जब स्टार्टिंग फेज होता है, ठीक है, या किशोरावस्था से जस्ट पहले का समय, तो उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है? द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। ठीक है, तो उसे कहते हैं सीखने का पठार। ठीक है, प्लेटू ऑफ लर्निंग, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे कहते हैं सीखने का पठार। ठीक है, और अगला प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, तो ये सही है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था, प्रयास व भूल तो थॉर्नडाइक ने किया था, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सही उत्तर है, थर्ड वन। अगला प्रश्न है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल जायगोट की बात करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर होते हैं? तो 23। ह्यूमन बींग्स में भी 23 होते हैं। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने किया था, ये अभी भी पढ़ा है हमने। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, कोहलर अभिप्रेरणा से या विकास से या व्यक्तित्व से? तो अधिगम से संबंधित है ना, कोहलर का अंतर सूझ का सिद्धांत हमने कल ही इसको करवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये डिफरेंस है सी टेट और यू टेट या यूपी टेट में। काफी इजी क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट और यू टेट में, तो आप इजीली उसे पास आउट कर लेंगे। सी टेट जिनका नहीं हो पा रहा है, यू टेट उनके लिए, यूपी टेट उनके लिए एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, उसे क्लियर कीजिए और अपने स्टेट में
ताकि आपको अच्छे उसमें जो मिले। ठीक है, तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, फ्रूड मोज़ेक मॉडल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जो तरल क्रिस्टल इंग्लिश में बता दो तो उससे आप समझ जाएंगे, फ्रूड जो फ्रूड मोज़ेक मॉडल दिया था वो दिया था कैटल ने। ठीक है, CATTEELL स्पेलिंग। अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात कर रहे हैं तो वह सृजनात्मकता के लिए। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सृजनात्मकता के लिए इसे यूज किया जाता है, तो आंसर इज थर्ड वन। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ठीक है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत या समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? तो ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। बाकी क्या है सब? सामान्यीकरण का सिद्धांत या समान अवयव का सिद्धांत जो अधिगम के लिए है, तो सीखने से संबंधित है, ये जो है प्रेरणा से संबंधित है। ठीक है, ये तीन तो अधिगम से संबंधित है और ये है प्रेरणा से संबंधित। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक संप्राति का न्यूनतम स्तर, द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज, सबसे लोएस्ट अचीवमेंट की बात करें तो यानी कि जब शुरुआती स्तर पर क्या होता है, ज्ञान। तो दिस इज द राइट आंसर, पहला। ठीक है, पहला ही सही है, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण तब आता है ना, सबसे पहले ज्ञान यानी नॉलेज। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ठीक है, क्षैतिज अधिगम स्थान का या उर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या कोई भी अधिगम नहीं। ठीक है, तो साइकिल चलाना चाहता है तो बाइक सीख रहा है, तो ये आता है दोस्तों ऊर्ध्व अधिगम का यानी कि वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ठीक है, विद्यालय का असहयोग। ठीक है, ये क्या है, उसके पठार का कारण नहीं है कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, तो ये नहीं है, तो विद्यालय का असहयोग यहाँ पे जो है उनके पठार का कारण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। ठीक है, यह बात पढ़ चुके हैं हम अधिगम के, इसमें कि अनुभव और प्रशिक्षण से जो व्यवहार परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। वो दिया था गेट्स ने। ठीक है, गेट्स वन। स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण मापन करता है। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिना जो परीक्षण मापन करता है इसका, बुद्धि का। कई सही उत्तर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकिरण किसने किया है? तो ये किया था यूंग ने। ठीक है, JUNG स्पेलिंग लिखी जाती है और यूंग पढ़ा जाता है इसे, तो इन्होंने ही दिया था। ठीक है, जो पर्सनालिटी दी थी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेश जनित तत्व। ठीक है, जो सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स होते हैं वही क्या है, बच्चे के जो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, उसको प्रभावित करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ठीक है, जो फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो है द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, ये इसका नियम है। बाकी मानसिक से, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, कल्पना और सेवात्मक विकास का नियम, सब मानसिक विकास से रिलेटेड, सारे विकास से द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत का नहीं है? ठीक है, विकास का थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, तो यह अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये क्या है, उद्दीपन से संबंधित है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी निरंतर विकास, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, ये तीनों जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित है और ये नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने इसमें नहीं चुनना है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया था? ये दिया था हरलॉक ने। ठीक है, डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज। ठीक है, हरलॉक का स्टेटमेंट है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ठीक है, 14 प्रकार से मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने वर्गीकृत किया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों ये।
जो यूपी टेट का है या यू टेट का पेपर है, काफी इजी आता है। तो जो लोग अभी अभी चैनल को देख रहे हैं वो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय तक हम इसी तरह से पेपर सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और कुछ अगर आपको वो सीखना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको वो सिखा भी दूंगा दोस्तों। ठीक है, कहीं पे कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, डमविल का। ठीक है, डमविल ने दिया था। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो वो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीन नियम तो जब सीखने के मुख्य नियम है, ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो बहुवनिकरी का नियम उतना इसमें शामिल नहीं किया गया है, तीन ही जो है सीखने के प्रमुख नियम है। मुख्य नियमों की बात करेंगे तो ये आएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस सेलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रारंभ किया? ये क्या, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये किया था डॉक्टर एस सेलोटा ने। कभी क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किसने दिया, वो दिया था डॉक्टर एस सेलोटा ने, किसके लिए, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, बुद्धि के द्विकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ रिलीजेंट। ये काफी इजी क्वेश्चन है, स्पीयर मैन। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए और मैं आपको इसी तरह से पेपर सॉल्व कराता रहूंगा नए नए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।